अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आप सभी के लिए दसवा से आपके हूँ और आप सभी आप सभी के को मेरा आदाब। मैं राजनीति सिंह आपके यहाँ इस लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और 12 मई को अपने इलेक्शन होने हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। जहाँ तक बात है शासन और प्रशासन की, इस बार महागठबंधन जहाँ पे भी बना है वो बहुत ज्यादा मतों से जीत रहा है। अभी जो 91 सीटों का कल परसों दो चार दिन पहले जो इलेक्शन हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन सीटें जीत रहा है। आज मुरली मनोहर जोशी जी की कोई चिट्ठी जो है वो वायरल हुई है, वो खुद भाजपा के इतने बड़े लीडर है, वो मान रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों से नीचे रहने वाली है। इसलिए हम सब लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है धर्म के नाम पे जाति के नाम पे बांटने वाला, निश्चित तौर से पूरा देश उसके खिलाफ है। हम सब लोग खिलाफ है, शायद आप लोग भी खिलाफ है। उसके खिलाफ वोटिंग करनी है, जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के वोटिंग करनी है, ऐसी जगह वोटिंग करनी है जहाँ से हमारे बच्चों के भविष्य का विकास हो सके, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो सके और जाति और धर्म के नाम पे जो रोज दंगे होते हैं वो बंद हो सके। हम सब लोग उत्तर प्रदेश के बहुत नजदीक रहने वाले, किसी के रिश्तेदार रहते हैं, कोई का जाने पहचाने कि कुछ लोगों के गांव भी उत्तर प्रदेश में, हमने समय देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की जब भी वहां पे सरकार रही है कम से कम धार्मिक दंगे तो नहीं हुए और बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में तो बिल्कुल भी नहीं हुए, कतई नहीं हुए। आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो भी बहुजन पार्टी की सरकार के अधीन ही आया था, लेकिन वहां पे पत्ता भी नहीं मिला। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए। मैं आपसे वकील करता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, हाथी वाला बटन दबाएं। मैं आपके जैसा एक साधारण भाई हूँ, जाति और धर्म की राजनीति को जैसे उत्तर प्रदेश में खत्म करा वैसे इस बार पूरे देश में खत्म कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपसे बीच ही रहने वाला आदमी हूँ, एक एक लोग जैसे हम सब लोग रहते वैसे मैं रहने वाला हूँ, ऊपर से आया हुआ कोई नेता नहीं हूँ। बहुजन समाज पार्टी में 20 साल से मैं कार्य करता रहा हूँ, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने मेरे को मौका दिया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं और आपके बीच में आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के अच्छी सोच के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, माता बहनों की सुरक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। ये जो जाति और धर्म की राजनीति है मैं आपसे वादा करता हूँ निश्चित तौर से खत्म हो जाएगी। आज थोड़ी समय की कमी है, एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, बहुत सारी शादियां हैं, आप लोग भी कहीं शादी में जाना होगा या किसी जयंती में जरूर जाना होगा, मेरे को भी जाना है, इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मतों से इस बार हाथी वाला बटन दबाएं, आपका वोट हो जाएगा।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।